हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो रोमन एम्पायर है वो जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे हिस्से को जो है कवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये होता है कि बेसिकली रोमन एम्पायर ये कोशिश करता है कि इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग द ऑटोनॉमी, जितनी भी टेरिटरी कम्युनिटीज थी उनकी ऑटोनॉमी को मेंटेन नहीं करते हुए, बल्कि इंस्टीड उनके कल्चर को जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है सप्रेस करने की कोशिश की। और ऐसा करने से फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कम्युनिटी साथ में अगर आती है तो साथ में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए बहुत सारे रिवॉल्ट होने लग गए और रोमन एम्पायर धीरे धीरे जो है फेड अप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम जो है पहले रहा है, और मतलब उसके बाद जो वेस्टफेलिया का पीरियड आया था तो उसमें किस तरीके का जो है पीरियड आया और किस तरीके का पॉलिटिकल अरेंजमेंट आता है। तो प्री वेस्टफेलिया के फेस को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्री वेस्टफेलिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1648 से पहले का जो फेज़ है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बहुत सारे एम्पायर्स आए। तो जैसे कि रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद बिजेंटिन एम्पायर आया, उसके बाद आपको पता है ओटोमन एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर जो है वो चालू हुआ, चाइनीज़ एम्पायर बहुत टाइम से चला आ रहा था। तो ये सारे एम्पायर्स थे लेकिन ये लोग सॉवरेन नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी किसी के एम्पायर पर अटैक कर सकता था, ठीक है, दे वॉज कॉन्स्टेंट थ्रेट। सेकेंडली इनकी कोई टेरिटरी बॉर्डर्स नहीं थी, जब मन करे जहाँ मन करे घुस सकते हैं, ठीक है। तो प्री वेस्टफेलिया पीरियड में आपको देखने को मिलता है कि टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम कंसिडर किया जाता है प्री वेस्टफेलिया का जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है, वॉर है और डिस्ट्रस्ट है, मतलब हर इंसान जो है वॉर में ही लड़ रहा है, ठीक है। कभी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वॉर है, कभी फ्रांस इंग्लैंड के बारे में वॉर है, तो हर जगह जो है आपको वॉर ही देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर क्या होता है और मॉडर्न स्टेट सिस्टम किस तरीके से राइज होता है। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं, वो है क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यूरोप के अंदर क्या होता है, 30 साल 30 ईयर्स जो है रिलीजियस वॉर चलता है 1618 से लेके 1648 तक के, ठीक है। तो ये रिलीजियस वॉर किसके बीच में चलता है, ये कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में चलता है। आपने इतना सुना होगा लेकिन डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बेसिकली रोमन एम्पायर जब यहाँ पर रहता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कैथोलिक्स ऑफ हैब्सबर्ग डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टी के जो है, एक हैब्सबर्ग डायनेस्टी के जो कैथोलिक्स है, आपको पता होगा कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चर्च की अथॉरिटी को एक मानता है एक नहीं मानता, आप सर्च करके नेट पर और डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। और प्रोटेस्टेंट्स जो है वो बोहेमिया, प्रोटेस्टेंट्स जो है वो बोहेमिया के अंदर थे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत वॉर चला, क्योंकि देखिए वॉर की जब शुरुआत हो जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहता है, और ये चलते चलते क्या हुआ कि फाइनली जो है ये वॉर बहुत बढ़ गया और बाकी सारे लोगों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रियन और स्पेनिश अलाइज जो है उन्होंने हैब्सबर्ग को ज्वाइन किया, और साथ साथ जो है जर्मन प्रिंसेस जो जर्मन प्रिंसेस है जो कैथोलिक थे, वो लोग जो है क्या कहते हैं उनको ज्वाइन करते हैं, और जो जर्मन प्रिंसेस जो जो प्रिंसेस जो है वो प्रोटेस्टेंट थे वो जो है ज्वाइन करते हैं फॉर टू दी पॉपुलेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट। मतलब कहीं ना कहीं एक डिवाइड क्रिएट हो रहा था पूरा यूरोप में, और पूरा वॉर मतलब यूरोप में पूरा तरीके से वॉर फैल चुका था। 30 साल बाद जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है और यूरोपियन पावर्स फिर फाइनली एग्री करती है कि आप एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और आपको जो करना है आप करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का जो वॉर जब ख़त्म हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आई, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज होकर आता है, ठीक है। अब आपको समझ में आता है कि अब जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आ गई तो उसके बाद ये समझ में आता है कि स्टेट जो है वो ओनली सोर्स ऑफ ऑथर एंड लेजिटिमेसी रहेगी। मतलब अब जो है इंडिया ने अगर कह दिया कि इंडिया सेकुलर कंट्री है तो इंडिया की बात मानी जाएगी, जैसे कि कोई और कंट्री है वो पर्टिकुलरली कोई रिलीजियस कंट्री है तो उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। उसको कोई वो नहीं करेगा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉवरनिटी स्टेट की रहेगी, स्टेट सिस्टम की रहेगी। तो ये सारा जो इसका फाउंडेशन था, ये फाउंडेशन शुरुआत किससे हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से होती है। अब पोस्ट वेस्टफेलिया पीरियड में क्या होता है ये समझने वाली बात है। तो पोस्ट वेस्टफेलियन पीरियड ये होता है कि ये जो चीज़ शुरुआत हुई थी यूरोप से कि भाई हर चीज़ जो है क्या कहते हैं सॉवरेन रहेगा, स्टेट सॉवरेन रहेगा, ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। और इसको ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा यू नो सिग्निफिकेंट है, और ये जो पर्टिकुलरली वेस्टफेलियन ट्रीटी है उसको ऐसा माना गया कि बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी दर्शाती है। देखिए सेकुलरिज्म मतलब वेस्टर्न सेंस में क्या होता है आपको पता होगा, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी
पावर, जैसे कि अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म मतलब ये होता है इन द वेस्टर्न कंटेक्स्ट अगर हम समझे, इसका मतलब ये होता है कि रिलीजन अलग रहेगा और स्टेट अलग रहेगा, इसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है सेकुलरिज्म एंड सॉवरनिटी दोनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशिंग एग्जाम्पल था, और यही चीज़ जो है बाकी कंट्रीज ने फॉलो करके भी जो है इसको अडॉप्ट कर ली। और इससे कहीं ना कहीं जो आपको कॉपरेशन देखने को मिलता है कि भले कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, अगर हमें पीस एंड कॉपरेशन से सर्वाइव करना है तो हमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बात को माननी पड़ेगी। तो पीस एंड कॉपरेशन से रहने के लिए ये जो है पर्टिकुलरली वेस्टफेलियन ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी गई। और सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब समझ में आया कि क्योंकि एक तरीके से जो एनमिटी थी, ठीक है, जो लोगों के प्रति आपको पता है पूरी बात, एडोल्फ हिटलर और फिर नॉर्डिक जर्मन और बाकी सारे आपको चीज़ें पता है ज्यूस वगैरह के पीछे जो हेट्रेड थी उनकी, तो ये सब चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं वेस्टफेलियन का मॉडल लिया गया कि आप जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉपरेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। और वर्ल्ड वार वन के बाद जो है बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि वेस्टफेलियन मॉडल पे बेस्ड ही क्या स्टैब्लिश होती है, लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश होती है, और बाद में जाकर वो फेल हो जाती है तो आपको पता है, और यूनाइटेड नेशंस के बदले में जो है क्रिएट होती है 1945 में। तो बेसिकली इसका मतलब ये पूरा जो ट्रांजिशन हो रहा है इसकी शुरुआत पॉइंट ये था कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बताती है कि साथ में जो है स्टेट्स रह सकते हैं, साथ में जो है क्या कहते हैं पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन किया जा सकता है, अल्दो लोगों के रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, उसके बाद भी पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन किया जा सकता है, ये चीज़ को सिग्निफाई करती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ जितनी भी कंट्रीज है सब लोग एग्जिस्ट करेगी अच्छे से, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ चैलेंजेस भी है वेस्टफेलियन सिस्टम को। क्या चैलेंजेस है वो ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चैलेंजेस ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था वेस्टफेलिया के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा चैप्टर नंबर वन से, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए। सॉवरनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब स्टेट जो है हर केस में सुप्रीम रहेगा, ये जो सॉवरनिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है, इमर्जिंग ग्लोबलाइजेशन है, इसको चैलेंज करता है, क्योंकि आप आज देखेंगे आजकल जो है वर्ल्ड जो है इंडिपेंडेंट नहीं रहा। सॉवरनिटी मतलब क्या होती है कि इंडिपेंडेंस रहे, लेकिन इंडिपेंडेंसी नहीं रही है बल्कि इंटरडिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है, डिफरेंट जो है पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है साथ में जो है आ रहे हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, साथ साथ एमएनसीज का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट एमएनसीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करती है, और साथ साथ आपको देखने को मिलता है नई नई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो रही है, जैसे कि IMF, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं जो हमारे डिसीजन है उसको जो है चैलेंज करती है, उसको शेप करती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर हमें जो है ग्लोबलाइजेशन करने के लिए फोर्स आउट किया था, ठीक है। वैसे ही WTO जो है वो कुछ ट्रेड्स के लिए रेगुलेशन बनाती है, जैसे कि डेवलपिंग के थ्रू तरफ वो थोड़ी सी बायस्ड है, हम ऐसा कहते हैं मतलब डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट बायस है, क्योंकि ये US वगैरह को फेवर करती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड टैरिफ हुआ करता था, उस तरीके की चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली आज के टाइम पर नेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गए हैं, इकोनॉमिकली एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है, इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है। तो इससे क्या लेना देना हमारा, इससे लेना देना ये कि कहीं ना कहीं जो सॉवरेनिटी का आइडिया था ना वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है, मतलब अब जो है स्टेट जो है अपने आप में जो है डिसीजन नहीं ले पाएगा, स्टेट की कुछ सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, सारी चीज़ें दूसरे नेशंस भी डिसाइड करेंगे, अदर नॉन स्टेट एक्टर्स भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी सारे नॉन स्टेट एक्टर्स का भी जो है ग्रोथ हो रहा है। और ये तो बात हो गई इकोनॉमी की कि भाई हाँ वर्ल्ड बैंक है, ये IMF है, लेकिन इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है उसमें कुछ कंट्रीज अपना वीटो का पावर यूज़ करती है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्या कोशिश की जा रही है कि हम एक वर्ल्ड ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट करें। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस आप कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आशियान, सार्क, जो कहीं ना कहीं क्या कर रही है पॉलिटिकल वे में भी जो है साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी थी, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी थी एक स्टेट की, वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही है। और नेटो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी जो वॉर शुरू हुआ पूरा इसके वजह से हुआ, ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन का, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो सुप्रीमेसी है वो चैलेंज हो रही है एक नेशन की, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिंस द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा क्रक्स है उसका, ठीक है।
ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो है सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है, वेस्टफेलियन मॉडल चैलेंज हो रहा है, और अब जो नया नेशन स्टेट आ रहा है वो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली बहुत सारे जो IR के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जो बेसिकली थ्योरिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो है IR का जो सिस्टम रहा है बहुत टाइम तक रिवॉल्यूशनरी, मतलब 300 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कि हर स्टेट अपना सॉवरेन रहेगा, ठीक है। हो सकता है एक नया तरीके का सिस्टम वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो जाए, एक चांस ज़रूर है, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे जो है चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो हम आ चुके हैं कॉन्क्लूजन के ऊपर, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखा है, इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है, तो शायद आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, ये लास्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो उसको मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में, आप वहाँ से इसको जाकर चेक करिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्रक्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें हमने ये बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन का ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से इसका जो है इंटरनेशनल रिलेशन का एडवेंट किस तरीके से होता है, थ्योरी किस तरीके से बिल्ड होती है, ठीक है। फिर हमने समझा कि वेस्टफेलिया था क्या, वो हमने समझा। वेस्टफेलिया का पहले किस तरीके के एम्पायर्स होते थे, रोमन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर, इस्लामिक ओटोमन एम्पायर, ये सब के बारे में हमने समझा, ठीक है। उसमें वेस्टफेलियन पीरियड में ऐसा क्या था या क्या नहीं था, जो वेस्टफेलियन प्री वेस्टफेलियन पीरियड में ऐसा क्या था या नहीं था जो वेस्टफेलियन पीरियड में था, एक सॉवरनिटी नहीं थी, एक टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस नहीं थी, ठीक है। मतलब हर कंट्री जो है एक दूसरे पर अटैक कर रही है, वॉर का टाइम है, डिस्ट्रेस का टाइम है, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब स्टेबिलिटी है, US ये नहीं कहेगा चलो मैं इंडिया का थोड़ा सा कब्जा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हमने ये समझा कि किस तरीके से वेस्टफेलिया प्री वेस्टफेलिया पीरियड था, वेस्टफेलिया पीरियड था, पोस्ट वेस्टफेलिया पीरियड था। उसके बाद हमने इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंसेस को समझा, और फिर हमने ये भी समझा कि किस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस होते हैं। 3 लेवल ऑफ एनालिसिस को हमने समझा, इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल एंड सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस को मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब यहाँ तक क्या है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर आज की बात करें हम, तो पहले के अम्पायर से अगर कंपेयर करें और मॉडर्न स्टेट्स को हमने कंपेयर किया कि पहले के एम्पायर्स में ऐसा क्या हुआ करता था। पहले के एम्पायर्स में जो है मैंने आपको बताया टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस नहीं हुआ करती थी, सॉवरेंटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का हमेशा डर बना रहता था, टर्मोइल था कि कोई भी हम पे अटैक कर लेगा। तो इस तरीके का जो है एम्पायर और मॉडर्न स्टेट में जो है इस तरीके का डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हमने समझा कि मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या है टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उसमें हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन आने के कारण सारी कंट्रीज एक दूसरे पे ज़्यादातर डिपेंड हो गई है, और इसी के वजह से जो है कहीं ना कहीं नए स्टेट्स जो है वो एक तरीके का इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वेस्टफेलिया ट्रीटी एंड रिलेटेड टू द इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी हम पढ़ कर आए कि वेस्टफेलियन ट्रीटी के अंदर क्या होता है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में जो है एक तरीके का रिलीजियस वॉर होता है। उसके अंदर डिटेल में आपको बताना है कि पूरी तरीके से यूरोप 2 हिस्सों में बढ़ गया था। कुछ कंट्रीज जो थी जैसे कि फ्रांस वगैरह जो कि कैथोलिक्स को सपोर्ट कर रही थी, कुछ प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, इनके बीच में जो है रिलीजन की वजह से जो है एक रिफ्ट क्रिएट हो गया था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। और उसके बाद जो है फिर 30 साल तक वॉर चलते रहा। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि चलिए आपको कैथोलिक्स को मानना है तो आप कैथोलिक्स को मानिएगा, आपको प्रोटेस्टेंट को मानना है तो आप प्रोटेस्टेंट को मानिएगा, सॉवरेनिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी यहीं से इमर्ज होकर आता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें इसका क्या लेना देना है, इसे ये लेना देना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बताया गया कि पीस एंड कॉपरेशन की बात भी की जा सकती है। अब पीस एंड कॉपरेशन की भी बात की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लड़ाई ही करनी है। क्योंकि 15th सेंचुरी में मैकियावेली ने क्या बताया था, 15th सेंचुरी में मैकियावेली ने ये बताया था कि हमें जो है टेरिटोरियल एक्सपांशन करना है। एक बहुत रियलिस्ट स्कॉलर थे वो, ठीक है, IR के स्कॉलर तो आप नहीं कह सकते, बट हाँ ऑल ओवर उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें दी थी थ्योरी। उसके बाद अगर आप बात करें कौटिल्य की भी, तो उन्होंने भी क्या बताया था कि ये रियलिस्ट थे वो भी क्या बताते थे कि कहीं ना कहीं आपको टेरिटोरियल एक्सपांशन करना है, ठीक है। लेकिन जब वेस्टफेलिया की ट्रीटी जब इमर्ज हुई तो उसमें बताया जाता है कहीं ना कहीं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप पीस एंड कॉपरेशन की भी बात कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रगल ऑफ पावर। ये आपको जो है यहाँ से रिलेट करना है। हुआ मेरे लिए पॉसिबल तो मैं आपके लिए जो है इसके आंसर्स जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
सेकेंडली जो है हमें आयर क्यों पढ़ना चाहिए, आयर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था चैप्टर नंबर 1 में। आयर के अंदर बहुत सारे एरियाज़ है जो क्या कहते हैं आज के टाइम पे इमर्जिंग हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बताया था, मैंने आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बताया था, और हेल्थ मेडिसिन के बारे में, डिजीज़ के बारे में, वैक्सीन के बारे में, बहुत सारे एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन है जिसमें हम साथ में काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा कि आईआर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए पढ़ना चाहिए, एक पीस एंड कॉपरेशन के लिए पढ़ना चाहिए, एक एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन के लिए पढ़ना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें हैं आईआर पढ़ने के लिए। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लेन की है, आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऑन गोइंग डिबेट क्या चल रहा है आईआर के बारे में, तो आईआर के बारे में डिबेट ये चल रहा है कि आईआर जो है बेसिकली क्या है। आईआर में जो है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है, लिबरलिस्ट भी है। आगे चल के हम समझेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये आंसर लिखने में हेल्प होगी। तो मैंने आपको शॉर्ट रिविजन में तो बताया था कि तीनों पर्सपेक्टिव में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो बेसिकली रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑलवेज टॉक्स अबाउट दी पॉलिटिक्स एज अ इंटरनेशनल रिलेशन एज स्ट्रगल ऑफ पावर, एंड लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा क्या बात करता है दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज अबाउट पीस एंड कॉपरेशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, इट टॉक्स अबाउट बोथ लिबरल एज वेल एज रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम समझे तो आईआर के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई है, जैसे कि फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, रियल पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरीज आई है, वो सारी थ्योरीज हम एक एक जो है डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।